कबीरधाम जिले में शासकीय जमीन पर इन दिनों अतिक्रमण के बाढ़ आ चुकी है और कवर्धा जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर्यटन स्थल सरोधा बांध के आसपास अतिक्रमण कुछ अधिक देखा जा रहा है। लगभग 6 माह से सड़क के किनारे लगे साल सागवान के पेड़ों को काटकर लोग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और आज यहां दर्जनों झोपड़ियां देखी जा सकती हैं। कार्रवाई का डर न होने से अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और पेड़ घटते जा रहे हैं। इस पिकनिक स्पॉट पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग आना जाना करते हैं, फिर भी जिला मुख्यालय के पास इस अवैध कब्जे को देखने वाला कोई नहीं है। वन विभाग ने भी 6 माह में एक बार भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। यदि उन क्षेत्र पर फॉरेस्ट राइट एक्ट में 13 दिसंबर 2005 के पहले वो काबिल थे, इस तरह का उनके पास कोई प्रमाण है तो उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि वो प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की विभिन्न धाराओं और उनमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी की हमारे साथ संवाददाता प्रदीप छूट गए हैं। प्रदीप, 6 माह से अतिक्रमण जारी है, आखिर क्या कुछ वजह है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सरोदा जो जलाशय है लगातार यहाँ तो हेलो जी प्रदीप, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो सरोदा जो जलाशय है वहाँ आस पास जो है लगभग 2 दर्जनों से ज्यादा जो है झोपड़ी बनाकर जो है मकान को कब्जा कर लिया है। ये जमीन है, ये फॉरेस्ट विभाग की जमीन है। इससे साफ तौर से जाहिर से यही पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो फॉरेस्ट विभाग की जो हमला है, वन विभाग की हमला है, वो बिल्कुल स्थिर नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं जो खास करके ये जो सरोदा जलाशय की जो जमीन है वो काफी कीमती जमीन माना जाता है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है और जलाशय भी है। ऐसे में बाहर से लोग भी आते हैं, लेकिन ऐसे स्थिति में जो जमीन को कब्जा किया है इससे ये भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन इस मामले में जो है यहाँ के जो डीएफओ है वो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है और उस पर आगे सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश की 24 सीट